नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G 5G वर्सेस Realme Nazo 55G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G 5G में 6.54 इंच जबकि Nazo 55G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Moto G 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Moto G 5G में 3 इंच जबकि Nazo 55G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Moto G 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Moto G 5G में 0.39 इंच जबकि Nazo 55G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G 5G में 212 ग्राम्स जबकि Nazo 55G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Moto G 5G में LTPS LCD जबकि Nazo 55G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G 5G में 6.7 इंचेस जबकि Nazo 55G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G 5G में 1080x2400 और Nazo 55G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G 5G में 85.74% जबकि Nazo 55G में 85.49% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nazo 55G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nazo 55G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nazo 55G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G 5G में Adreno 619 जबकि Nazo 55G में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G 5G में Qualcomm Snapdragon 750G और Nazo 55G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G 5G में 6GB की RAM मिलती है जबकि Nazo 55G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nazo 55G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Moto G 5G में Android V10Q जबकि Nazo 55G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 55G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो मोटो जी 5G में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी नाजो 55G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नाजो 55G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में मोटो जी 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 Pro है, दूसरा Vivo T15G है, तीसरा Moto G71 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें लावर अग्नि 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।